डियर स्टूडेंट्स, लिप्टिकॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिप्टिकॉन की शेप कुछ टाइप की होती है। लिप्टिकॉन इज अ सरफेस हुज इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू सी जी स्क्वायर, वेयर सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस कॉन ओपन्स अलोंग जी एक्सिस। इफ सी इज इक्वल टू वन तो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, और ये भी ओपन करेगी लॉन्ग जी एक्सिस। सिमिलरली कॉस जो ओपन करती है लॉन्ग वाई एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस कॉन ओपन्स लॉन्ग वाई एक्सिस। एंड इफ कॉन ओपन्स लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये ओपन करती है अलोंग एक्स एक्सिस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज हम कोई प्लेन लेते हैं जो ओपन करती है अलोंग जी एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, विच इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू जीरो। हम सबसे पहले सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। और सिमेट्री में सबसे पहले अबाउट एक्स वाई प्लेन ये डिस्कस करते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन के सिमेट्रिकल है या नहीं है। अ फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई प्लेन, हमने ये पहले पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी इक्वल टू जीरो हो। तो चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस माइनस जी होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, विच इज सेम एज एफ ऑफ एक्स वाई जी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कौन सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स वाई प्लेन, दैट इज ये कौन सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली हम ये चेक कर सकते हैं कि ये कौन बाकी प्लेन्स के भी सिमेट्रिकल है, और इसी तरह हम चेक कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस एंड अबाउट ओरिजिन भी ये सिमेट्रिकल है। इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, जी इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, और हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई जी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम वाई इक्वल टू जीरो जी इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन में, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट जीरो आया। सिमिलरली हम वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो जी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वहां पे हमारे पास वाई इक्वल टू जीरो आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे। और फिर हम जी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, जी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ कर्ण में, तो वहां पे हमारे पास जी इक्वल टू जीरो आएगा। दैट मीन्स के ओनली इंटरसेप्ट या ओनली पॉइंट वेयर द कोण कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज जीरो जीरो जीरो। अब हम इसके ट्रेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी इक्वेशन को दोबारा लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्ण को, तो वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स वाई प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हम जी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट and that point is origin 0 0 0। इसका ट्रेस फाइंड आउट करते हैं हम xz प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जी स्क्वायर एंड विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए जी, जो कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस हैं। और इसका ट्रेस फाइंड आउट
करते हैं वाईजी प्लेन में, वाईजी में प्लेन में ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जब एक्स इक्वल जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, एंड दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी सी आ जाएगा। ये सारे ट्रेसेस हमारे पास आ गए। थैंक यू वेरी मच।